जी हाँ नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से होंगे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे मेन हेडिंग और सब हेडिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, किस सेक्शन में आते हैं कंपनीज एक्ट में, कितने शेड्यूल होते हैं, तो कौन से शेड्यूल में आता है प्रोफार्मा, यह ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड है, और जो बच्चे पेड कोर्सेस हैं उनके ऐप में भी वो वीडियो अपलोड है, ठीक है ना। तो आप उस वीडियो को देख कर उसके बाद यह वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो अब इसमें आपको बताना है कि मेन हेडिंग और सब हेडिंग कौन कौन है। मैंने आपको लायबिलिटीज जब प्रोफार्मा बताया था तो उसमें बताया था कि चार मेन हेडिंग होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? शेयर होल्डर फंड, आपका शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल आएगा, रिजर्विंग सरप्लस आएगा, ये सब सब हेडिंग हो जाएंगे। उसके बाद एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो आपका मेन हेडिंग था। उसके बाद थर्ड आपका था नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फोर्थ में था करेंट लाइबिलिटीज, ये मेन हेडिंग थे। उसके अंदर जो आते थे लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्रेडिटर, ट्रेड पेबल्स वगैरह, ये सब आपके सब हेडिंग थे, ठीक है ना। उसके अंदर जो आएगा वो आपका आ जाएगा आइटम्स रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से एसेट्स में दो होते हैं मेन हेडिंग, नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं मेन हेडिंग और सब हेडिंग कौन कौन है। फर्स्ट है आपका डिवेंचर्स। डिवेंचर्स का मेन हेडिंग क्या है दोस्तों? नॉन करेंट लाइबिलिटीज होगा। मेन हेडिंग क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज। सब हेडिंग क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सब हेडिंग क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जनरली ये क्वेश्चन आया हुआ है और स्टूडेंट गलती किए हैं, पब्लिक डिपॉजिट को एसेट्स मान लेते हैं, बट ये गलत है। पब्लिक डिपॉजिट मतलब होता है कंपनी ने पब्लिक से जो पैसे लिए हैं और उनको जो विथ इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे वो होता है पब्लिक डिपॉजिट। मतलब होता है बर्डन, क्या होता है आपका लाइबिलिटी जो होता है, जैसे बर्डन, जैसे आप अपने मम्मी पापा के लिए बर्डन हो, उसी तरीके से पब्लिक डिपॉजिट भी कंपनी के लिए क्या होता है? बर्डन होता है। हाँ, अगर आप अच्छा काम करते हो, अच्छा पढ़ाई करते हो, आप नाम रोशन करते हो, तो वही बर्डन एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम उस पब्लिक के डिपॉजिट के पैसे से अच्छा काम करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो प्रॉफिट से हम ज्यादा अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो ये मेरा एसेट्स कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो पब्लिक डिपॉजिट मेरे दोस्तों, पहले आपको क्या पहचानना है कि पब्लिक डिपॉजिट का मेन हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटीज और सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आपका दोस्तों, मेन हेडिंग हो जाएगा शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग हो जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस। मेन हेडिंग क्या है? शेयर होल्डर फंड, और सब हेडिंग क्या है दोस्तों? रिजर्व एंड सरप्लस। उसी तरीके से आपका कैपिटल रिजर्व है, मेन हेडिंग शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस। फॉरफिटेड शेयर, अब ध्यान रखना फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी शेयर इशू करती है और जो उस पर जो भी 2 रुपये 3 रुपये ऐसे करके 4-5 बार में जो पैसे लेने होते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल, जितना भी पैसा जिस बार मांगे, तो जनरली पब्लिक क्या करते हैं कि सभी पैसे वो पेमेंट नहीं करते हैं। तो जब पूरा पेमेंट नहीं होता है तो कंपनी नोटिस देती है कि जो पैसे बकाए हैं उसको वापस कर दीजिए, मतलब आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बदले हम आपको डिविडेंड देते रहेंगे। अब वो पेमेंट नहीं करते, कंपनी नोटिस, जितने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज होते हैं पूरा करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं देते, तो कंपनी उनका नाम अपने रजिस्टर से हटा लेती है, जिसको हम लोग सीजर ऑफ शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजर ऑफ शेयर, मतलब शेयर को कैंसिल कर देते हैं, ठीक, उसके नाम को हटा देते हैं। तो जो पैसा मिला होता है हमारे लिए बेनिफिट्स होता है, वो चला जाएगा शेयर होल्डर फंड में। सब्सक्रिप्शन मतलब जो सब्सक्राइब कैपिटल होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब क्या होता है दोस्तों कि अब जैसे सपोज करते हैं कि कोई हमने लोन लिया था, ठीक है ना, कोई हमने लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट बकाया हो गया है ना, जैसे 2 लाख का लोन हमने लिया, उस पर इंटरेस्ट हमको जो पेड करना होगा ड्यू हो गया, जिस डेट को अकाउंटिंग हम बना रहे हैं उस डेट को क्या हो गया? ड्यू हो गया, ठीक है ना, कि हाँ हमको पेमेंट करना होगा। तो हमारे लिए क्या होगा? बर्डन होगा, लाइबिलिटीज होगा, ईयर के एक ही साल के अंदर हमको पेमेंट करना होगा, तो हो जाएगा करेंट लाइबिलिटीज। और किस में दिखाएंगे? अदर करेंट लाइबिलिटीज में। किस में दिखाएंगे? अदर करेंट लाइबिलिटीज में। पिछला वीडियो आप देख कर आएंगे तब आपको समझ में आएगा अदर करेंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं, उसके अंदर क्या आता है। तो ये आपका इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ड्यू ऑन डिवेंचर्स, ठीक है ना, मतलब डिवेंचर्स पे जो इंटरेस्ट का पैसा बाकी है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों बिल्स पेबल। बिल्स पेबल का
मतलब होता है कि जो हमने किसी को पेमेंट करना है बिल के जरिए, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, बर्डन हो जाएगा, लाइबिलिटीज हो जाएगा। कौन सा लाइबिलिटीज, एक साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेमेंट करने होते हैं तो करंट लाइबिलिटीज हो जाएगा, और वो आपका सब हेडिंग क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल्स हो जाएगा। सब हेडिंग क्या होगा, ट्रेड पेबल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, करा कि अगर कस्टमर से हमने एडवांस कोई रिसीव कर लिया, जैसे कोई कस्टमर है आपको कुछ एडवांस में 10,000, 20,000, 50,000 रुपए दे दिया कि हाँ हमारे यहाँ गुड्स पहुँचवा देना, तो अब वो एडवांस जब तक हम उसके यहाँ गुड्स नहीं पहुँचाएंगे तब तक हमारे लिए क्या होगा, बर्डन होगा, करेंट लाइबिलिटीज होगा। किस में जाएगा, अदर करेंट लाइबिलिटीज में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स में डिफरेंस क्या होगा, इंडिविजुअल किसी पर्सन से पैसे पेमेंट करने, मतलब किसी पर्सन को पेमेंट करने है तो हो जाता है नॉर्मली क्रेडिटर, लेकिन कंबाइंड ऑफ क्रेडिटर को हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। जैसे 10 लोगों का पैसा लेना है तो हम लाइबिलिटीज में 10 बार क्रेडिटर लिखेंगे तो अच्छा नहीं है ना, सन्ड्री क्रेडिटर लिख के सबका पैसा ऐड करके दिखाते हैं, उसको बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर हमारे लिए बर्डन होता है, लाइबिलिटीज होता है, तो करेंट लाइबिलिटीज में, और वो ट्रेड पेबल्स के अंदर आएगा। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या होता है इसको समझना है, ठीक है ना। अनक्लेम्ड डिविडेंड का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कंपनी डिविडेंड प्रपोज्ड करती, जैसे प्रपोज्ड डिविडेंड होता है, तीन होता है, प्रपोज्ड डिविडेंड, डिविडेंड इंट्रीम डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ठीक है ना, प्रपोज्ड डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है कि जब ड्यू डेट पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देती है कि एक साल में हमको कितना प्रॉफिट हुआ उसका हम कुछ पार्ट हम शेयर होल्डर के बीच में बांटना चाहते हैं, उसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंपनी ने प्रपोज कर दिया, ऑफर कर दिया कि आके अपना डिविडेंड ले लीजिए, बट कुछ लोग बिजी रहते हैं, उनको पता नहीं चल पाता, डिविडेंड नहीं लेने आते कंपनी का, ठीक है, उसको बोलेंगे अनक्लेम, मतलब उन्होंने क्लेम ही नहीं किया। बट ऐसा तो नहीं कि वो पैसा हम वापस ले लेंगे, हमारे लिए बर्डन है, कंपनी के लिए क्या है, बर्डन, वो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो अनक्लेम डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर पैसे लेने नहीं आए हैं डिविडेंड का, वो हमारे लिए करंट लाइबिलिटीज होता है, और कहाँ पे हम लोग इसको दिखाते हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉल्स इन एरियर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कॉल्स इन एरियर मतलब कि जब शेयर होल्डर से जो पैसे मांगे जाते हैं वही पेमेंट नहीं करते हैं, उसको बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, मतलब बकाया राशि, ठीक है ना। और ये चला जाएगा शेयर होल्डर फंड में, जो हमारा सब्सक्राइब ऊपर लिखा था ना सब्सक्राइब कैपिटल, उसमें से माइनस कर देंगे, मतलब कॉल्स इन एरियर को क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस। जैसे 10,000 लोगों से, ठीक है ना, 10,000 लोगों से 10 रुपए के हिसाब से पेमेंट लेना था तो टोटल हमको कितना मिल जाता दोस्तों, 1,00,000 रुपए मिलता, 1,00,000 रुपए। अब उसमें से 100 लोगों ने पैसे नहीं दिए 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना, 1,000 रुपए नहीं मिलेगा ना। तो यही जो 1,000 रुपए नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा कितना, 99,000। तो हमारा जो 1,000 है उसी को बोलेंगे कॉल्स इन एरियर, है ना, क्या बोला जाएगा, कॉल्स इन एरियर। कंपनी को जो शेयर होल्डर पेमेंट नहीं करते हैं शेयर के पैसे को, उसी को कॉल्स इन एरियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके सामने, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन डिबेंचर। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट एक्रूड, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पढ़ा था इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इसमें इंटरेस्ट एक्रूड है लेकिन ड्यू नहीं है, यह कॉन्सेप्ट आपको समझना है। यह समझने के लिए आपको एकदम अच्छे से समझोगे तब जाके आपको क्लियर समझ में आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट एक्रूड और ड्यू का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू का मतलब क्या होता है, और इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू का मतलब क्या होता है, दोनों समझिए। जैसे अगर हमने अकाउंटिंग ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, ठीक है ना, और क्लोज होगा 31 मार्च को, अगर हमारा इंटरेस्ट और डिविडेंड देने का डेट भी 31 मार्च है और अकाउंटिंग क्लोज भी 31 मार्च को होगा, तब हो जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, मतलब डेट उसी डेट को क्या हो रहा है, अकाउंटिंग भी क्लोज हो रहा है, उसी डेट को हमको इंटरेस्ट का ड्यू डेट भी आता है, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, ठीक है ना। अब अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को बट इंटरेस्ट मिलने का समय है 30 जून, ठीक है ना, और हमारा 1 जुलाई से लेकर अगले 30 जून ये 12 महीने पे हमको इंटरेस्ट मिलता है, बट हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च को, तो अभी हमारे पास 3 महीने का समय, 9 महीने बीत गया, अभी 3 महीने और समय है, तो ये जो 9 महीने का इंटरेस्ट तो ड्यू होगा ना,
9 महीने का तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्रू होगा ना, बकाया होगा ना, बट उसका ड्यू डेट कब आ रहा है, 30 जून को। तो वही जो 12th वाला पॉइंट बोला है कि इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब इंटरेस्ट 9 महीने का तो अर्न हमने कर लिया है, बट इफ उसका ड्यू डेट आएगा 30 जून को। अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर भी 31 मार्च है, ड्यू डेट भी 31 मार्च है, तो हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू। तो दोनों हमारे लिए क्या हो जाएंगे, दोनों हमारे लिए लाइबिलिटीज होते हैं, दोनों को, दोनों पॉइंट हमारे लिए लाइबिलिटीज ही होता है और दोनों करेंट लाइबिलिटीज होते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों करेंट लाइबिलिटीज होते हैं और दोनों अदर करेंट लाइबिलिटीज, मतलब मेन हेडिंग करेंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग अदर करेंट लाइबिलिटीज। बस आपका समझना है कि इंटरेस्ट ड्यू, सॉरी इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, एंड इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों में डिफरेंस ये समझना था कि ड्यू डेट भी वही है और इंटरेस्ट हमारा अकाउंटिंग ईयर का एंडिंग डेट भी वही है, तब तो इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू हो जाएगा। ड्यू डेट हमारा आगे है, अकाउंटिंग ईयर पहले पड़ जा रहा है, तो उसको बोलेंगे इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, लूज टूल्स। लूज टूल्स का मतलब होता है हमारे लिए जो जैसे नट बोल्ट नहीं होते हैं, तो लूज टूल्स उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। इसमें चला जाएगा करंट एसेट्स में, और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जो हमारे पास है, जिससे हम कोई चीज बनाते हैं या फिर जिससे हमारे पास अनसोल्ड गुड्स है, तो इन्वेंट्री लूज टूल्स हमारे लिए क्या होते हैं, एक तरीके से स्टॉक में जाते हैं। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या होता है कि जो शेयर होल्डर पैसा एडवांस में पेड कर देता है, अभी मांगे हैं फरवरी का पैसा हुआ वो जनवरी में दे दिया, मार्च का पैसा वो फरवरी में दे दिया, तो उसके लिए क्या हो जाएगा एडवांस। अगर हम पैसे नहीं मांगेंगे फरवरी में तो हमारे लिए क्या होगा, उसको पैसे को रिटर्न करने पड़ेंगे, तो वो चला जाएगा अदर करेंट लाइबिलिटीज, मतलब हमारे लिए क्या होगा बर्डन। अभी जैसे हम किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, अभी अप्रैल में हम पढ़ाए नहीं, बट अप्रैल को पैसा पहले दे दिया, तो जब अप्रैल में हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमको पैसे देने पड़ेंगे वापस। तो वही है कि कॉल्स इन एडवांस, अभी हमने मांगा नहीं फिर भी एडवांस में मिल गया है, तो वो आपका करेंट लाइबिलिटीज मेन हेडिंग हो जाएगा, सब हेडिंग हो जाएगा आपका अदर करेंट लाइबिलिटीज, मतलब जो आपका फर्स्ट लाइन है उसको बोलेंगे आइटम, सेकेंड को बोलेंगे मेन हेडिंग, थर्ड वाला आपका क्या है सब हेडिंग है, इस चीज को भी ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, अब जैसे कोई एक महीना दो महीना पहले पेमेंट कर दिया है उस पर इंटरेस्ट देना है, वो भी आपका लाइबिलिटीज में इंक्लूड, जैसे 1000 एडवांस दिया उस पर 100 रुपया इंटरेस्ट 1100 हो गया, वो भी अदर करेंट लाइबिलिटीज में उसी इंटरेस्ट में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन सिक्योर, मतलब वही कह रहा है जो सिक्योर लोन है, सिक्योर लोन का मतलब होता है जिसके बदले हमने कोई प्रॉपर्टी रख दिया है, पूरा का पूरा 10 लाख का लोन है, 10 लाख से ज्यादा का प्रॉपर्टी रख दिया है, उस पे जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो भी हमारे किस में चला जाएंगे, सब हेडिंग अदर करेंट लाइबिलिटीज, मेन हेडिंग करेंट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। आपको बस याद कर लेना है कि कौन किस में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, वही है ना, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ठीक है ना। इंटरेस्ट मतलब अर्न, कुछ महीने का इंटरेस्ट अर्न हो चुका है बट अभी ड्यू डेट उसका जिस दिन अकाउंटिंग पीरियड है उसके बाद है, ठीक है ना, तब हमारे लिए करेंट लाइबिलिटीज होगा और अदर करेंट लाइबिलिटीज में। प्रीमियम एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर्स का जब पेमेंट करना होता है तो हमको प्रीमियम पेमेंट करना, जैसे रिडम्पशन मतलब होता है पेमेंट, 10 साल बाद 15 साल बाद जब हम डिबेंचर का पेमेंट करेंगे, डिबेंचर एक तरीके से कंपनी के लिए लोन होता है ना, तो उसका जब पेमेंट करेंगे तो जैसे 100 रुपये का है तो हम उसको 110 पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो जो प्रीमियम होगा वो हमारे लिए क्या होगा, 10 साल बाद पेमेंट करना बर्डन आएगा, तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज मेन हेडिंग में और सब हेडिंग में चला जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में चला जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों, नेक्स्ट है आपका बैलेंस विथ बैंक, तो बैंक के साथ जो पैसा है हमारे लिए करेंट एसेट्स है ना, बैंक में जो पैसा हमारे लिए करेंट एसेट्स और कैश इन कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा सब हेडिंग। स्टोर इन सरप्लस है ना, अब यहाँ पे स्टोर इन सरप्लस, अब यहाँ पे स्टोर रहता बस ऑनलाइन रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए स्टोर, अब इस रिजर्व एंड सरप्लस वाला गलती से यहाँ पे आ गया, ओनली क्या है आपका स्टोर, स्टोर मतलब जैसे हमारे पास कुछ सामान पड़े हुए हैं तो हो जाएगा आपका करेंट एसेट्स और उसको किसमें ऐड करते हैं इन्वेंट्री में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, जैसे हमको बताया कि हम 1 लाख या 10 लाख का गुड्स बेचते हैं तो उसका 2-4% हमको पेमेंट नहीं मिलेगा, तो हम उसके लिए पहले से क्लियर कर लेते हैं कि प्रोविजन बना लेते हैं, तो हमारे लिए क्या होते हैं करेंट एसेट्स और हम लोग ट्रेड रिसीवेबल में से क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, उसको क्या करते हैं कि 10 लाख में से हमको 2000 रुपये 5000 रुपये नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे माइनस। सन्ड्री डेटर्स,
कंबाइंड ऑफ डेटर्स को सन्ड्री डेटर्स बोलेंगे। जैसे किसी एक पर्सन से पैसे लेने हैं तो डेटर्स, हजारों लोगों से पैसे लेने हैं तो कंबाइंड रूप से सभी पैसे को बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स, ठीक है ना। वो भी हमारे लिए क्या होता है, करेंट एसेट्स, और सब हेडिंग हो जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस जैसे नेक्स्ट अप्रैल का हम अभी पेमेंट कर दिए, अब हम बोलेंगे कि अप्रैल में हम नहीं रहेंगे तो रेंट हमको वापस मिलेगा ना, तो जो फ्यूचर में हमको पैसे मिलने वाले होते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, तो प्रीपेड करेंट एसेट्स में चला जाएगा और अदर करेंट एसेट्स में, ठीक है ना। जब प्रोफार्मा हमने बताया था तो उसमें बताया था सब हेडिंग मेन हेडिंग क्या होते हैं, तो उसके अंदर वाला पॉइंट इधर हम समझा रहे हैं और मेन हेडिंग भी बता रहे हैं और सब हेडिंग भी बता रहे हैं, तो पहला वीडियो अगर आप देख कराओगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका दोस्तों, टैक्स रिजर्व। टैक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई रिजर्व अगर बनाते हैं तो हमारे लिए शेयरहोल्डर फंड मेन हेडिंग और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में। डिवेंचर रिडेम्पशन, तो वही है शेयरहोल्डर फंड में आपका, देखो यहां पे हो जाएगा डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, यहां पे बस क्या रहेगा डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, इसको आप लोग सही कर लेना नोट्स में। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड किस में चला जाएगा, मेन हेडिंग शेयरहोल्डर फंड और सब हेडिंग जितने सारे फंड, जितने सारे रिजर्व होते हैं कहां चले जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व आपका मेन हेडिंग हो जाएगा शेयरहोल्डर फंड और सब हेडिंग हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। माइनिंग राइट, हमने कोयला, कोई हम कोयले खदान या फिर कोई हमको अधिकार मिल जाता है, प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि 10 साल तक यहाँ पे आप ब्रिक है ना ईटा निर्माण करोगे, उसके लिए आप कोई एक राइट अधिकार ले लेते हो, तो हमारे लिए नॉन करेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, उससे हमको फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट्स होगा ना, और वो किस में चले जाते हैं, फिक्स एसेट्स में। किस में चले जाएंगे, फिक्स एसेट्स में चले जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, व्हीकल्स, व्हीकल मोटर कार जो भी होंगे वो आपके मेन हेडिंग आपका नॉन करेंट एसेट्स, सब हेडिंग फिक्स एसेट्स होते हैं। सब्सिडरी रिजर्व है ना, सन्ड्री, यहाँ पे सब्सिडरी लिखा हुआ है, सन्ड्री रिजर्व में शेयरहोल्डर फंड और रिजर्व में सरप्लस में चला जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब वो पैसे कहीं लगा रहा है, एक साल के बाद वो वहां से पैसे वापस लेगा, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे लिए नॉन करेंट एसेट्स हो जाएंगे और चला जाएगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का एक होता है सब हेडिंग उसके अंदर, ठीक है। शेयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, ध्यान रखना शेयर यह खरीदा है किसी दूसरे कंपनी का, अगर आप शेयर इशू करोगे तो आपके लिए लाइबिलिटीज शेयरहोल्डर फंड में चला जाएगा, लेकिन आप किसी दूसरे कंपनी का खुद शेयर खरीदे हो, शेयर मार्केट में पैसा लगाए हो, इन्वेस्ट किए हो, तो आपके लिए क्या होगा, एसेट्स होगा, ठीक है ना। तो शेयर ऑफ एक्स वाई लिमिटेड तो नॉन करेंट एसेट्स और किस में चला जाएगा, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में। अगर उसका पेमेंट एक साल के अंदर लोगे तो करेंट एसेट्स में और एक साल के बाद लोगे तो नॉन करेंट एसेट्स में। एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ना, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए हम कस्टमर से एडवांस लेते हैं तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में चला जाएगा, है ना। मेन हेडिंग नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब देखिए इसमें कुछ एक दो पॉइंट यहाँ पे गलत है तो उसको पहले आपको सही करना होगा, ठीक है ना, तब जाके आप इसको पढ़ोगे, नहीं अदरवाइज आप गलत पढ़ लोगे। और एक कुछ चीज़ें आपको टाइपिंग एरर है और कुछ चीज़ें जानबूझ के किया गया है, जिससे अगर आप वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज ओनली नोट्स पढ़ लोगे तो गलत पढ़ लोगे। जैसे ट्रेड पेबल्स, हाँ बट जो कोर्स परचेज किया होगा उसको जो नोट्स मिलेगा उसको करेक्टेड नोट मिलता है, ठीक है, सही वाला नोट्स मिलेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मली जो फ्री में अपलोड किया जाता है उसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है ना। हम कोशिश करेंगे फ्री में भी सही वाला अपलोड करने के लिए। ट्रेड पेबल्स आपका क्या हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटीज और अब यहाँ पे देखो लॉन्ग टर्म लिखा है ना, गलत है, ये चला जाएगा ट्रेड पेबल्स में ही चला जाएगा, ठीक है ना। इन कैशमेंट ऑफ एम्प्लॉई अर्नली पेबल्स और रिटायरमेंट, अर्नली का मतलब क्या होता है, जैसे कि सीएल, आपके पापा या फिर मम्मी कहीं पर गवर्नमेंट जॉब में हो तो सीएल होता है ना, सीएल मतलब एक महीने में आपको दो दिन की छुट्टी मिलती है, ठीक है, और एक साल में टोटल 30 दिन का माना जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से। जो आपने छुट्टी दिया गया है उसमें भी अगर आपने जाकर, मतलब जितने सारे संडे फेस्टिवल वगैरह उसको छोड़कर जो छुट्टी मिलता है उसको सीएल बोलते हैं, उसमें भी जाके एम्प्लॉय काम किया हुआ है और 30 दिन का छुट्टी एक साल में नहीं लिया तो उसको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा हमको, मतलब उसका हमारे पास बर्डन आएगा। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म, उसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजन बनाना पड़ता है कि अगर वो एक्स्ट्रा तो हमको 13 महीने का सैलरी देना पड़ेगा, ठीक है ना। एरियर्स ऑफ फिक्स्ड, अब एरियर्स ऑफ फिक्स्ड का मतलब क्या होता है कि कोई बकाया है तो नॉन करेंट लाइबिलिटी होगी उसको बस हम लोग कहाँ भी दिखा देते हैं, फुट नोट में, है ना, कॉन्टिन्यूंट लाइबिलिटी समझ में, कि जैसे कोई बकाया अभी फ्यूचर में अभी हमको दे, अभी हुआ नहीं है बट फ्यूचर में मे भी हो सकता है हमको पेमेंट करना पड़े, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, उसको फुट नोट्स में दिखा देते हैं।
ठीक है, ये आपका रहा टोटल मेन हेडिंग सब हेडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यहाँ पे आपको मीनिंग वगैरह भी बताया जाएगा और उसके टूल्स वगैरह कितने सारे होते हैं, टूल्स में क्या क्या होते हैं, है ना, सारे चीज़ें आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को अगर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए अल्पाइन क्लासेस ऐप को डाउनलोड करें, और ऐप डाउनलोड करके आप मोबाइल नंबर, OTP और ईमेल के जरिए उसको ओपन कर लेंगे, स्टोर सेक्शन में जाके सारा कोर्स देखेंगे, वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पे गूगल पे करेंगे, उसके बाद हम आपका कोर्स लॉगिन कर देंगे, ठीक है ना। और कोर्स के साथ साथ हम आपको अनलिमिटेड व्यूज का वीडियो देंगे, साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगे और लाइव भी क्लासेस लिए जाएंगे बाद में, और साथ में आपके घर बुक जाएगा उसी पैसे में, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में हमारा कोर्स है। तो एक बार जाइए, अगर आप कोर्स नहीं भी लेना चाहते हैं तो कम से कम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर बहुत सारे फ्री में मटेरियल अवेलेबल है, तो कम से कम उस फ्री वाले मटेरियल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, थैंक यू वेरी मच।